CUET एग्जाम 2022 की तैयारी करें नेविगेट इंस्टीट्यूट के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से। नेविगेट इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स 5 मई 2022 से स्टार्ट हो रहा है। एडमिशन लेने के लिए आप डाउनलोड करें नेविगेट प्राइम ऐप को, और साथ ही साथ ऑफलाइन कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुरभि एंड आई वेलकम यू ऑल टू नेविगेट। वेल, बिफोर स्टार्टिंग विद आवर टॉपिक विद आवर वीडियो व्हिच इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट सेक्शन 3 ऑफ CUET, सब कुछ जो आपको पता होना चाहिए सेक्शन 3 ऑफ CUET के बारे में। एक बार टॉपिक में डाइव करने से पहले मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो ध्यान से सुन लो। हमने एक न्यू चैनल बनाया है नेविगेट प्राइम, स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू योर CUET। अब CUET आने वाला है एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे दैट वी कैन। तो जितने भी आपके सेक्शंस हैं, सेक्शंस में जो भी चीज़ें आने वाली हैं, जो भी अपडेट्स होते हैं, जो सिलेबस है आपका, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होगा, हर एक चीज़ पे हम वीडियो बनाएंगे। इन शॉर्ट, हम पूरे CUET को कवर करेंगे। पूरे CUET को हम कवर तो करेंगे, तो अलग अलग वीडियोस बनाएंगे हम बनाएंगे आपके सेक्शन 1 पे वीडियो, 2 पे वीडियो, 3 पे वीडियो, देन आपके डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स होंगे उसमें भी जो स्पेसिफिकेशन होती है उन पे वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस। तो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड न्यू चैनल खोला है नेविगेट प्राइम। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो तुरंत जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, ऐड कर लीजिए, क्योंकि देयर वुड बी एन ऑप्शन जिससे ना आप अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। तो चैनल को ही लाइब्रेरी में ऐड कर लो, क्योंकि भाई बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, भर भर के हम वीडियोज़ देने वाले हैं आपको, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अच्छा, हम सिर्फ ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे आपको वीडियोस दे दी और हो गया। हमने आपके लिए ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन बैच भी खोल के रखे हैं। हाँ जी, 5 मई से हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें विल प्रोवाइड यू द क्रैश कोर्स। 2 महीने में आप कैसे अपने 12th के साथ साथ, MP बोर्ड वालों का 12th हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, वेरी गुड। 12th CBSE बोर्ड वाले, अभी आपका 12th का जो एग्ज़ाम है वो चल रहा है, क्या साथ में प्रिपरेशन की जा सकती है? हाँ जी, की जा सकती है। कैसे? स्मार्ट स्टडी। आपको अब हार्डवर्क नहीं करना, क्योंकि हार्डवर्क का टाइम भी नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क से हमको पेपर क्लियर करना है, वो कैसे करना है वो सब कुछ हम आपको बताएंगे, है ना। उसके लिए हमने ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों ही बैचेस खोल रखे हैं। आप आ सकते हैं, वॉक इन एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं डेडिकेटेडली ऑनलाइन पढ़ सकता हूँ और ऑफलाइन आना थोड़ा, गर्मी ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, मैं नहीं कर सकता, तो आप ऑनलाइन बैच के लिए आ जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे पर्सनल गाइडेंस चाहिए है, क्लास में स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ बैठ करके पढ़ना है, डिस्कशन में इन्वॉल्व होना है, टीचर से इंटरेक्ट करना है, अगर आपको वैसा एटमोसफेयर चाहिए तो वेरी गुड, आप ऑफलाइन बैच के लिए आ जाइए। चलिए, बाकी जो भी अपडेट्स होते हैं और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, हम यूट्यूब के थ्रू तो आपसे बात करते ही रहेंगे। उसके लिए हाँ, नेविगेट प्राइम को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, नाउ स्टार्टिंग विद आवर टुडेज वीडियो, सिलेबस फॉर सेक्शन 3। वैसे हम सिर्फ सिलेबस की बात नहीं करने वाले हैं, जनरल टेस्ट के सिर्फ सिलेबस की बात नहीं करने वाले हैं, हम सब चीज़ों की बात करने वाले हैं कि कैसा एग्ज़ाम पैटर्न होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या हमको पढ़ना है, कैसे हमको पढ़ना है, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द सेक्शन 3 ऑफ योर CUET। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टार्टिंग विद द नोटिफिकेशन जो हमारे CUET ने ही दिया हमें, क्या? टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस। देखिए, हमारा ये जो टेस्ट है इसमें 5 तो अपने सेक्शंस हैं। अब 5 सेक्शन कौन सा है? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। अब इसमें से सेक्शन ए में से आएंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं ना, बेसिक हमारे GK के क्वेश्चंस होते हैं, मिक्स बैग, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिक्स का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, और जो अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में चल रहा है वो होगा। अच्छा, 15 क्वेश्चन होंगे हर एक सेक्शन में से, और कोई 12 हमको अटेम्प्ट करना है, 15 में से 12 क्वेश्चन करने हैं। पहला हो गया जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, फिर जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी में भी आपके नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, देन आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, देन आती है आपकी रीजनिंग एंड देन लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग पे ज़रा ज़्यादा ध्यान है एंड देन न्यूमेरिकल एबिलिटी, पर द थिंग टू बी नोटेड हियर इज
कि जितना भी कुछ आएगा मैथमेटिक्स, अगर आप न्यूमेरिकल शब्द सुन करके डर रहे हो तो मत डरो यार, सिर्फ एट्थ क्लास का आने वाला है, सिर्फ एट्थ क्लास तक का आने वाला है, ठीक है। तो ये है हमारा सिलेबस, ये हो गया हमारा सिलेबस। अच्छा, आप क्वेश्चन आता है कि मैम कैसे सेक्शन वाइज क्वेश्चन आएंगे या मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चन होगा? मिक्स बैग ऑफ क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कितने होंगे? 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 60 अटेम्प्ट करने हैं। 75 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, और टाइम क्या है आपके पास? 60 मिनट। तो हाँ, टाइम बहुत कम है, एक मिनट में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और आई से कि एक मिनट से भी कम टाइम में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि पहले आप देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा क्वेश्चन टफ है, उस अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट करेंगे। फिर थोड़ा सा टाइम वहाँ पर टाइम वेस्ट भी हो जाता है, इन्विजिलेटर कुछ बोलने लग जाता है बीच में, हल्का सा इंटरप्शन हो जाता है। तो अगर हम लेकर के चलें तो हमें मोटा मोटी 55 मिनट्स ही मिलते हैं, क्योंकि 5 मिनट तो हमारे ख़राब हो ही जाते हैं, है ना, जिसमें हमें 60 क्वेश्चन करने हैं। तो प्रैक्टिस, नाउ आई ऑलवेज से रिवीजन इज़ द की, विद रिवीजन प्रैक्टिस इज़ ऑल्सो द की। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप 60 के 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में कर लें, ठीक है। चलिए, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके सेक्शन 3 में से क्या आने वाला है। अगर आपको कोई भी डाउट हो एज इफ आपके सेक्शन 3 में से क्या आने वाला है, तो डू कमेंट इट डाउन एंड विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर दैट। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू सून विद अनदर वीडियो, अनदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू, एंड हाँ, कीप प्रैक्टिसिंग।